हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ में आगे के क्रम में रेशम कीट पालन पढ़ेंगे। रेशम उत्पादन जानते हैं कि वस्त्र के निर्माण में रेशमी वस्त्र जो होते हैं, रेशम का तमाम औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग है। रेशम कीट पालन क्या है, जैसे सेरिकल्चर, रेशम प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, कल्चर है, उसको सेरिकल्चर रेशम कीट पालन कहते हैं। और कुछ ऐसे कीट हैं जिनको पाले जाते हैं और उनसे रेशम तैयार किए जाते हैं। बच्चों तो आइए चलिए पहले देखा जाए रेशम का कीट, सिल्क वार्म। रेशम का कीट बच्चों तीन प्रकार के रेशम के कीट हैं, जैसे बॉम्बॉक्सी मोरी, मूंगा रेशम, एंथेरिया एस्मेंसिस और एरी रेशम कीट फाइलोसोमिया रेसी। ये जो होता है बॉम्बॉक्सी मोरी बच्चों, ये शहतूत की पत्तियों, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और उसकी पत्तियों को खाता है और खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो शहतूत के वृक्ष पर पाले जाने वाले रेशम का कीट जो है बॉम्बॉक्सी मोरी है और सबसे अधिक रेशम इससे प्राप्त किया जाता है। मूंगा रेशम कीट जो है ये दालचीनी के वृक्ष पर पाला जाता है, दालचीनी की पत्तियों को खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और एरी रेशम जो है कास्टर सीड, कास्टर लीफ, कास्टर पौधा, रेड़, रेड़ जिसको कहते हैं, रेड़ी का पौधा, कास्टर रेड़ जो होता है उसी के पौधे, उसी पत्तियों को खाकर ये एरी रेशम कीट जो है अपना जीवन चक्र पूरा करता है, कोया उत्पादन रेशम प्राप्त किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बॉम्बॉक्सी मोरी से कैसे रेशम तैयार किया जाता है और इसकी जीवन चक्र कैसे पूर्ण होता है। तो पहले इसकी विधियों को देखा जाए, फिर जीवन चक्र फिगर के साथ आपको समझा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं बॉम्बॉक्सी मोरी की बच्चों, शहतूत की पत्तियों, शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है और इसकी पत्तियों को खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। होता क्या है कि जो फीमेल इसकी मादा होती है, बॉम्बॉक्सी मोरी की फीमेल जो मादा होती है, सर्वप्रथम ये फीमेल 300 से 400 एग अंडे देती है और 300 से 400 अंडे देने के बाद अपना भोजन त्याग कर देती है, भोजन लेना बंद कर देती है और 3 से 4 दिन बाद डेड हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है मादा। अर्थात मादा लेग एग देने के बाद जो है मर जाती है। अब जो एग है, प्रत्येक ईच एग 10 दिन के बाद ये कैटरपिलर लार्वा का निर्माण करते हैं। किस में बदल जाते हैं? लार्वा में, उसका नाम है कैटरपिलर। प्रत्येक एक जो है 10 दिन बाद ये कैटरपिलर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं और ये कैटरपिलर बच्चों 30 से 40 दिन में, लगभग 30 से 40 दिन में एक्टिव सक्रिय वृद्धि करके पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलांगेट होता है, फिर अपनी स्लगरी ग्लैंड लार ग्रंथि को बाहर निकालता है और उस लार ग्रंथियों के द्वारा एक स्राव स्रावित होता है जो उस पर लिपट करके एक लेयर बना लेता है और इस लार ग्रंथियों से जो स्राव निकलता है से रेशम धागा, रेशम ये थ्रेड बनता है, इसी को कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून, कोकून फॉर्मेशन। अब कोकून बन गया। अब बच्चों ये कैटरपिलर जो है ये 3 से 4 दिन के बाद 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा बनाता है। कैटरपिलर कोकून के अंदर 1000 से 1200 मीटर लंबा धागा बनता है। इसके बाद जो कैटरपिलर लार्वा होता है ये प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। क्या होता है? कैटरपिलर लार्वा मॉडिफाइड हो जाता है, प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है प्यूपा में, और 10 से 15 दिन पश्चात ये पूर्ण कीट इमैगो, पूर्ण कीट, एक विकसित कीट में
बदल जाता है। अब ये पूर्ण कीट जो होता है इमैगो से एक बेसिक स्राव स्रावित होता है, एक क्षारीय स्राव निकलता है जो कोए को काट करके, जिसकी सहायता से इमैगो कीट जो है कोए को काट कर बाहर निकल करके छोटे छोटे रेशम टुकड़ों में खंडित हो जाता है। अब बच्चों रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, कोकून से रेशम प्राप्त करना, कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं, तो सर्वप्रथम कोकून को जो है गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में रखते हैं, डाल दिया जाता है, जिससे अंदर ही अंदर जो है कीट को मार देते हैं, अंदर ही अंदर कीट जो है मर जाता है। और कोकून को पानी में डाल करके खौलाना और कीट को मारने की क्रिया सेफलिंग कहलाती है। सेफलिंग क्या कहलाती है, सेफलिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क ऑब्टेनिंग, रेशम प्राप्त करने की पहली अवस्था है कि कोकून को गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाल करके अंदर ही अंदर कीट को मार दिया जाता है। अब उसके बाद कोकून में धागा ढीला हो जाता है, उसको उढ़ेला जाता है और उढ़ेल करके फिर सभी कोकून फॉर्म बाय ए सिंगल थ्रेड, पूरा कोकून का धागा एक थ्रेड से बना होता है, एक ही धागा उसमें होता है, उसी से मिलकर बना होता है। अब इसे रॉ सिल्क कहते हैं, कच्चा रेशम, क्या कहते हैं, रॉ सिल्क बच्चों, कच्चा रेशम कहते हैं। अब इस कच्चे रेशम को एसिड में, अम्ल में डुबो दिया जाता है, अम्ल में डुबो करके उन सभी धागों को एक साथ मिलाकर ऐंठन लगा के एक सिल्क फॉर्म ए सिल्क थ्रेड, एक रेशम धागा तैयार करते हैं, जिसको फाइबर सिल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइबर सिल्क। जब कच्चा रेशम तैयार हो जाता है उसको अम्ल में भिगो देते हैं, अम्ल में डुबो करके एक एक धागे को सबको एक साथ मिलाकर सभी धागों को एक रेशम सिल्क थ्रेड फॉर्म कर लेते हैं और इसे सिल्क फाइबर सिल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइबर, क्या कहते हैं, फाइबर सिल्क, फाइबर सिल्क कहते हैं, क्या कहते हैं, फाइबर सिल्क कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, फाइबर सिल्क। अब ये फाइबर सिल्क को प्राप्त करने की क्रिया स्पिनिंग कहलाती है। इस तरह से कोकून से रेशम प्राप्त करना दो तरह की प्रोसेस है, स्टिपलिंग और स्पिनिंग। स्टिपलिंग प्रोसेस से रॉ सिल्क कच्चा रेशम प्राप्त होता है, जबकि उसको अम्ल में भिगोकर एक साथ मिलाकर फाइबर सिल्क प्राप्त करके ना ही स्पिनिंग कहलाता है। ए टू स्टेजेस फॉर द ऑब्टेनिंग बी कोकून सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क रेशम प्राप्त करने की ये दो विधियां हैं, दो प्रोसेस, दो अवस्थाएं हैं। अब बच्चों ये सिल्क थ्रेड जो है किन किन चीजों से बना होता है, रेशम धागा जो है मेरा पॉप इनसॉल्युबल प्रोटीन, अघुलनशील प्रोटीन इसमें पाई जाती है, और घुलनशील प्रोटीन पाई जाती है जैसे जिलेटिन, वैक्सेज, कैरोटीनॉइड्स इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। अब लगभग देखा जाता है, देखा गया है 25,000 कोयों से एक पाउंड रेशम प्राप्त किया जाता है, 25,000 कोयों से एक पाउंड रेशम प्राप्त होती है बच्चों, और रेशम के पालन की क्रिया को सेरिकल्चर कहते हैं। तो सेरिकल्चर जो है एपीकल्चर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन, और सेरी कल्चर रेशम कीट पालन, ये प्रक्रिया है। तो रेशम कीट पालन याद रखेंगे, क्या कहते हैं, सेरी कल्चर। बच्चों अब इस बॉम्बॉक्सी मोरी के जीवन चक्र को हम फिगर के साथ समझा दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे फिगर में आगे के क्रम में। हाँ बच्चों ये देखिए फिगर में ध्यान से, सबसे पहले ये जो फीमेल बॉम्बॉक्सी मोरी कीट है फिगर में देख रहे हैं, ये एग लेइंग अंडे दे रही है,
और अंडे देने के बाद भोजन का त्याग कर दे रही है और ये मर जा रही है। डेड होने के बाद प्रत्येक अंडे जो है एक जो है 10 से 12 दिन में हैचिंग करके थ्रिस हैचिंग करके एक इलांगेट कर जाते हैं और हैचिंग 3 से 4 दिन बाद ये फर्स्ट मॉल 2 से 5 या 3 दिन तक ये कैटरपिलर बनता है। सेकेंड मॉल 3 से 4 दिन होता है। थर्ड मॉल 4वें दिन होता है। उसके बाद कैटरपिलर लार्वा बन जाता है। फोर्थ एंड फाइनल मॉल 6 से 8 दिन बाद ये रिप सिल्क वार्म तैयार होता है। इसी क्रिया को स्पिनिंग सिल्क फिलामेंट कहते हैं। स्पिनिंग सिल्क फिलामेंट इससे बनता है, फिर इससे कोकून बनता है। कोकून प्यूपा में बदल जाता है। कोकून सेल आउटसाइड बाहर की तरफ आती है और प्यूपा 10 से 12 दिन फार्म करता है कोकून, इमरजेंसी कोकून, और एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। यही एडल्ट पुनः फीमेल से बॉम्बाक्सी मोरी और एग लेइंग प्रोसेस चलता रहता है और सिल्क वार्म का लाइफ साइकिल जीवन चक्र पूर्ण होता रहता है। इस तरह से बच्चों हम लोग ये सिल्क वार्म रेशम कीट के बारे में पढ़ा गया। टसर रेशम कीट एक होता है, इसका लार्वा ओक साल गुलर तथा बेर की पत्तियों पर। दूसरा जो है मूंगा रेशम कीट, इसका लार्वा दालचीनी तथा मैचिलिस की पत्तियों को खाकर जीता है। उड़ीसा बिहार पश्चिम बंगाल में अधिकतर पाए जाते हैं। एरी रेशम कीट, इसका लार्वा अरंड या कास्टर की पत्तियों को खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। यही है बॉम्बाक्सी मोरी का लाइफ साइकिल। थैंक यू।